एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं क्या है खास आपके लिए इस हफ्ते। कार सर्विसिंग एंड रिपेयर्स के मार्केट में गो मैकेनिक का बढ़ता दायरा। इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर कारोबार को स्केल करने में लगा एयर ओके। और जानिए कैसे शुरू करें बिना मिट्टी की खेती। ऑथराइज्ड कार सर्विस सेंटर मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक कार सर्विस का मार्केट $300 बिलियन का हो जाएगा। इस ग्रोथ को देख इतनी बड़ी इंडस्ट्री में ऑथराइज्ड कार सर्विस सेंटर्स और लोकल गैराजेस के बीच अपने लिए जगह बना रहे हैं स्टार्टअप्स। ये नई कंपनियां कार सर्विसिंग और रिपेयर की सेवाएं स्किल लेबर और टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहकों को क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी मुहैया करा रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के ग्रेजुएट्स अमित भसीन और कुशाल कारवा का स्टार्टअप गो मैकेनिक न सिर्फ ग्राहकों की पसंद बना है बल्कि निवेशकों को भी भा रहा है। कैसे शुरू हुई गो मैकेनिक की बिजनेस जर्नी बता रही हैं कल्पना पारकर। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ इसी का अनुभव लिया गुरुग्राम में अपना करियर शुरू करने आए दो दोस्त कुशल कारवा और अमित भसीन ने। दोनों ने रीसेल में ली पहली कार के सर्विसिंग पर इतना खर्च किया कि उतने में और एक कार खरीद पाते। आसपास अपने जैसे कईयों की इस दिक्कत को देखते हुए कुशल और अमित ने इस पर रिसर्च वर्क शुरू किया। हमने मार्केट का रिसर्च किया कि कितने सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कशॉप्स है, तो हमको पता चला कि इंडिया में करीब करीब 3 लाख ऐसे वर्कशॉप्स है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, बेसिकली विच आर नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी OEMs। और हमने इसमें थोड़ा और डीप डाइव किया तो हमको रियलाइज किया कि ये सारे जो वर्कशॉप ओनर्स है ये पहले ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स में काम करते थे, हुंडई हो गया, मारुति हो गया, टोयोटा हो गया, और इन्होंने फिर अपना खुद का सेटअप शुरू किया है। दे आर वेरी टेक्निकली स्ट्रांग, उनको सारा कुछ काम करने आता है क्योंकि ये लोग पहले ऑथराइज में यही काम करते थे और इनको सारी टेक्निकल नॉलेज थी, बट उनके पास एक चीज़ नहीं थी जो था कि कस्टमर बेस एंड द मार्केटिंग कैपेबिलिटीज। कुशल और अमित को इस दिक्कत में बिजनेस आइडिया दिखा। अनऑथराइज सर्विस सेंटर्स जो वेल इक्विप्ड है, अच्छा खासा टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई और ग्राहकों की कमी के चलते इनके धंधे में मंदी हुआ करती थी। इन सेंटर्स के जरिए कार सर्विसिंग ग्राहकों को क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट पर देने के उद्देश्य से 2016 में शुरू हुआ गो मैकेनिक। ये जो अच्छे क्वालिटी वर्कशॉप्स है मार्केट में, उनको उनका बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए, उनकी MRP कैसे डिफाइन की जाए, क्योंकि मार्केट में ये भी हो रहा था कि ये कस्टमर, ये जो वर्कशॉप्स थे उनको ये नहीं पता चलता था कि नेक्स्ट कस्टमर आएगा कहाँ से। ये लोग एक जगह पे अपना शॉप डाल के बैठ जाते हैं और फिर दे डिपेंड ऑन द चलता कस्टमर्स, मतलब चलते फिरते कोई आ गया दिन में तो आ गया। तो हमने सोचा कि हम इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वी विल चूज द बेस्ट क्वालिटी वर्कशॉप्स विच आर देयर इन द मार्केट एंड देन वी विल गेट देम ऑन द गो अंडर द गो मैकेनिक अम्ब्रेला ब्रांड। अनऑथराइज सेंटर्स की प्रॉब्लम्स को सुलझाकर कंपनी ने अपने बिजनेस को स्केल किया। आज 10 शहरों में कंपनी के 250 सर्विस सेंटर्स है जहाँ ग्राहकों को मार्केट रेट से 30-35% कम दाम में क्वालिटी सर्विस मिलती है। सेंटर से सेल पर कमीशन चार्ज करते हुए कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है। जितने कस्टमर्स हम उनको जा रहे हैं हमारे ब्रांड के वजह से या हमारे मार्केटिंग के वजह से, हम उस पे पैसा बनाते हैं। सेकेंड बिग रेवेन्यू सोर्स इज हम सारे वर्कशॉप्स के लिए सेंट्रली बल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं ऑफ स्पेयर पार्ट्स, जो जो हमको पता है कि गाड़ियाँ अगले महीने आने वाली है, हम उसका प्रोक्योरमेंट करके उसकी सप्लाई चेन से उनको सप्लाई करते हैं। तो इसमें भी बिकॉज वी प्रोक्योर एट अ वेरी बल्क फॉर पैन इंडिया एंड फॉर 250 ऑड वर्कशॉप्स, हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है प्रोक्योरमेंट साइड में, तो इस पर भी हम लोग मार्जिन कमाते हैं। सो देर आर टू बिजनेस मॉडल्स एंड टू रेवेन्यू मॉडल्स विच वी आर, और ये सारा बेनिफिट हमको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि वो हम कस्टमर्स को भी पास ऑन करते हैं। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सर्विस सेंटर्स को पार्टनर बनाने की प्रोसेस कंपनी ने तगड़ी बनाई है।
हम अपने पार्टनर्स को तीन चीज़ों पर असेस करते हैं नेटवर्क पर लाने से पहले। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इस वर्कशॉप का साइज़ कितना है, वहाँ पर बेस कितनी है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, स्कैनर्स किस तरीके के यूज़ करते हैं। जो दूसरा पैरामीटर है वो है कि उसका स्किल सेट कैसा है, कि बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्कशॉप किस तरीके का रिपेयर और किस गाड़ी के लिए वो रिपेयर करने के लिए बेस्ट सूटेड है। तो अगर मान लीजिए गुड़गांव में ही आपकी गाड़ी है फोक्सवैगन पोलो जिसको एसी रिपेयर चाहिए, वो हो सकता है एक वर्कशॉप ए पे जाए, लेकिन अगर एक होंडा सिटी है जिसको डेंटिंग पेंटिंग कराना है वो हो सकता है वर्कशॉप बी पे जाए। तो हम अपने वर्कशॉप्स को बहुत केयरफुली ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि कस्टमर को कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े किसी भी काम के लिए, लेकिन सेम टाइम पर हमारे वर्कशॉप को ओवर इन्वेस्ट ना करना पड़े जिससे कि कस्टमर के लिए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर हम लोग अपने वर्कशॉप्स को असेस करते हैं वो है स्पेयर पार्ट्स। महज 20 से 25 सेंटर्स के साथ गो मैकेनिक ने B2B सेगमेंट को टैप करते हुए बिजनेस की शुरुआत की। ओला उबर जैसे बड़े फ्लीट ओनर्स को ऑनबोर्ड करते हुए कंपनी ने बेस बनाया और फिर B2C की ओर रुख किया। B2C पर फोकस करते हुए कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बना रही है। आगे जाके हमारा विजन यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फेसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें B2C के, और क्योंकि इंडिया में इतनी गाड़ियां हैं जो वारंटी के बाहर है। इंडिया में ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा पैन इंडिया गाड़ियां हैं जो वारंटी के बाहर होती है हर साल, और हर साल मतलब टोटल अगर आप मान लो तो हमको उनको कैटर करना है, ना कि एक फ्लीट ओनर जो जिनके पास लगभग 5,000 से 6,000 गाड़ियां होती है मैक्सिमम में। गो मैकेनिक का असली हीरो है टीम ने बनाई टेक्नोलॉजी जो वर्कशॉप ओनर और ग्राहकों को सीमलेसली कनेक्ट करती है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो कि वर्कशॉप साइट पे बनता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो मैकेनिक जो शायद 10वीं पास या 12वीं पास है लेकिन अपने काम में सबसे ज़्यादा स्किलफुल आदमी है, कैसे उसको कनेक्ट करें एक ऐसे कस्टमर के पास जो कि बहुत पढ़ा लिखा है और लेकिन शायद उसको अपनी गाड़ी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। तो टेक्नोलॉजी एक वो इम्पॉर्टेंट लेयर है इस पूरे सिस्टम के अंदर जो इन दो अदरवाइज बहुत ही डिसिमिलर लोग हैं उनको कनेक्ट करती है। हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो इस तरीके से बने हैं कि एक एंड पर वो मैकेनिक से बात करते हैं और बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इंट्यूटिव चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, इस तरीके के बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी के हम लोगों ने फीचर्स यूज़ करे हैं। 30 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से फाउंडर्स ने गो मैकेनिक की शुरुआत की। कंज्यूमर से मिलते रिस्पांस के साथ साथ निवेशकों ने भी कंपनी के पोटेंशियल को देखते हुए टीम में भरोसा दिखाया। 2019 में कंपनी ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 105 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें सिकोया कैपिटल, चिराटे वेंचर्स और ओरायस वेंचर्स जैसे निवेशकों ने हिस्सा लिया। आगे जाके हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ सिटीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ ज्योग्राफीज बढ़ेगी, तो हम कैपिटल रेस करते रहेंगे टू एक्सपांड। दिस कैपिटल विल बी यूज्ड मोस्टली ओनली इन टू थिंग्स विच इज़ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज़ टू फॉर एक्सपांशंस। क्योंकि इनिशियल कोई भी सिटी में अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं तो पहले 5-6 मंथ हमको एक्सपांड अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव टू रेज अ लॉट ऑफ कैपिटल। इसके बाद इस साल में जो हम नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हम इंटरनेशनली जो सिमिलर इंडिया के जैसे सिमिलर मार्केट्स है वहाँ पे जाएंगे, उसके लिए हम और कैपिटल रेस करेंगे। द नियरेस्ट टारगेट्स आर द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड कंट्रीज इन अफ्रीका विच आर वेरी सिमिलर टू इंडिया। वी विल ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बने ही नहीं हैं। लोग अभी भी पेपर और पेंसिल पे काम करते हैं, जॉब कार्ड्स बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारी जो ऑटो आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम है वो गो मैकेनिक के सॉफ्टवेयर पे आ जाए। ऑटो इंडस्ट्री तैयार हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बदलाव के लिए, ऐसे में ईवी सर्विसिंग और रिपेयर्स के लिए गो मैकेनिक की टीम को तैयार करना कंपनी के सामने अहम है। इसी दिशा में कंपनी ईवी मैन्युफैक्चरर्स से टाई अप कर रही है जिससे वर्कशॉप्स को ट्रेनिंग मिलेगी।
रिवॉर्ड मोटर्स जैसे ईवी मैन्युफैक्चरर्स से टाइप से कंपनी बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इसी तरह कंपनी नए बदलाव के साथ ग्रोथ प्लान बना रही है। आने वाले 3 सालों में 12-13% मार्केट शेयर हासिल करने पर फाउंडर्स का फोकस बना हुआ है। कल्पिता पारकर। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए क्लीन एनर्जी में रिसर्च से शुरू हुआ 2 इनोवेटर्स का एंटरप्रेन्योर बनने का सफर। सीएनबीसी आवाज पर। दिन ब दिन बढ़ रहे एयर पोल्यूशन से देश बीमार हो रहा है। इंडस्ट्रीज और सरकार की ओर से इसे कम करने के प्रयास कम है। इसीलिए एयर पोल्यूशन की क्राइसिस से जूझने के लिए आईआईटी मद्रास के 3 छात्र यसा पवन रेड्डी, दीक्षित वरा प्रसाद और वनम श्रवण कृष्णा ने मिलकर एक ऐसा एयर प्योरिफायर बनाया जो तरह तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट से हवा को स्वच्छ बनाता है। इनोवेशन से कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च तक का इनका सफर पूरा हुआ एयर ओके टेक्नोलॉजीज के जरिए। अब आगे फाउंडर्स कैसे करेंगे कारोबार को स्केल, आइए जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रोजाना होने वाली 9 मौत में से 1 एयर प्रदूषण के कहर से होती है और 40% लोग लंग की बीमारी के शिकार होते हैं। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। फिर भी इस पर कोई ठोस कदम उठाए नहीं दिखाई देते। ऐसे में दिल्ली का स्टार्टअप एरोके आपको हवा शुद्ध करने की गारंटी देता है। इस कंपनी ने इफिशिएंट ग्रैनुलर अब्सॉर्प्शन पार्टिकुलेट अरेस्टर यानी इगापा फिल्टर तकनीक से बनाया है विस्टार एयर प्यूरिफायर, जो हवा में मिक्स पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब्स, फंगस और गैसो सब्सटेंस को छानकर सांस लेने लायक शुद्ध हवा में प्यूरिफाई करता है। But actually PM 2.5 is not the only parameter that actually we should talk about. There are a lot of other parameters as well. There are a lot of toxic gases, there are VOCs, and we have to come up with a technology which address all these three, PM 2.5, toxic gases, as well as the VOCs. So that's the initiation that was starting my project during that point of time, and I have done n number of lab tests during that point of time, and the performance was quite better. And then later on, I thought like, why can't we make this technology into industrial application and commercialize it? And that's how I started this venture. IIT Madras ke incubation cell se mile support ke chalte tino founders ko project level ke prototype ko commercial launch karne ka push mila. फाउंडर्स को मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आईआईटी मद्रास से 5 लाख का सीड फंड भी मिला और इसी बढ़ावे का नतीजा रहा एरोके के विस्टार का कमर्शियल लॉन्च। कंपनी ने B2B सेगमेंट्स के हेल्थ केयर, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को टारगेट करते हुए प्रोडक्ट को बाजार में उतारा। बीइंग अ बिगिनर इन दिस फील्ड, सो ऑल आई वांट इज टू मेक इट द नेक्स्ट स्टेप बिग सक्सेस। And for me, I choose an opportunity as a B2B because I'll get enough time to convince the customer. My financial bandwidth is limited so that I can approach them easily. So once it was into the B2B, then I can actually, it is easy for me to spread that to B2C because it's actually in the market oriented is B2B and B2C, but actually all the B2B who are actually the employees or who are the employees are also like the B2C clients actually. So for me, it is easy from B2B to B2C so that I can actually plan strategically and I can actually beat the competitors as well. So that's the whole idea about it. किसी भी एयर प्यूरिफायर को जांचने का पैरामीटर होता है CADR, यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। एयरओके कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से कौन से CADR का प्यूरिफायर जरूरी है, इसके मुताबिक प्रोडक्ट उपलब्ध करवाता है। We divided it into the 3 categories. Again, I'll repeat to you again. That's one is the toxic, one is dirty, and one is the contaminated. So we work segment to segment and application to applicant, and then we, as the air consultants, mainly study the environment and generate the reports and understand this environment is affected by this particular pollution, and we actually suggest the solution and we implement and we'll show the
time to time reports and the resurrection levels. कंपनी का पूरा फोकस B2B पर है, लेकिन सेल करने के लिए अब जल्द ही B2B से ग्राहकों को टैप किया जाएगा। फिलहाल एरोके के विस्टार की कीमत 22,000 रुपए से शुरू होती है और कमर्शियल ग्राहकों के लिए बनाए एयर प्यूरिफायर सीजर्स की कीमत 2 करोड़ तक जाती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने एंटरप्राइजेस के लिए प्रोडक्ट ऑन रेंट का सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लॉन्च किया है। इसमें हर महीने रेंट चार्ज करके कंपनी सर्विस मुहैया करती है, साथ ही आफ्टर सेल सर्विस का ख्याल भी कंपनी ही उठाती है। We used to develop the solution for the span of 5 years. In these 5 years, it's our responsibility to make the premises as a clean area. And that's how we used to approach the customers. And that's how we used to make arrangements with the customer. And that's what our commitment as a AeroCare organization. It's not merely just to sell the product and leave the customer. It's all about to take care of the air what they breathe continuously. So we used to do the time to time services. For example, like every 15 days, our engineer used to go there and we'll check the filters. I mean, and if it's possible, like he used to suggest cleaning and he used to do the servicing. It depends upon customer to customer. इस प्रोडक्ट में अपग्रेड्स और इनोवेशन का काफी स्कोप है। कंपनी के तीनों फाउंडर्स का कोर टेक्नोलॉजी होने से R&D पर फोकस आगे भी कायम रहेगा। एवरी डे द रेंज ऑफ पैरामीटर्स आर इंक्रीजिंग, सो द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आल्सो हैपेंड टू अरेस्ट दिस टेक्नोलॉजी। सो द इनोवेशन इज नेवर एंडिंग काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली। सो वी हैव टू बी ऑन field to understand what are the new parameters that are actually contributing for this pollution, and we have to do the enough studies and the research, and we have to come up with the technologies which can actually control this pollution. So in that way, like our next immediate is to we are actually developed a technology to absorb the CO2, and now we are actually upgrading this technology to rate of arresting this technology is a bit faster than the previous. कंपनी का गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सार ग्रुप से मिली $2 मिलियन की फंडिंग से कंपनी ने इसे शुरू किया। फिलहाल हर महीने 800 मशीन्स बनाने की इस प्लांट की क्षमता है। B2B पर बढ़ रहे फोकस के चलते कंपनी अगले 6 महीनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 तक बढ़ाने की तैयारी में है। अगले 2 सालों में आफ्टर सेल सर्विस को मजबूत बनाते हुए 10-12% मार्केट शेयर हासिल करने का कंपनी का लक्ष्य है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे देखिए हमारा स्मॉल बिजनेस आइडिया। नया है बेटा 3 साइड कूलिंग वाला स्टाइलिश डैट सिंफनी का कूलर, पंखा जितना बिजली में शिमला जितना ठंडी और इंजेस्ट। 70% घरों में छिपे हैं दोनों, जानलेवा मच्छर और कॉकरोच। इसीलिए 2 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, न्यू मॉर्टीन 2-in-1 जो दे 100% किल गारंटी दोनों पे। न्यू मॉर्टीन 2-in-1। पहली चाल शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा और SMC मनी वाइज बी वाइज। कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है सबसे बड़ी जंग। न्यूज 18 नेटवर्क में हमारी जिम्मेदारी है जागरूकता फैलाने और आपको सुरक्षित रखने की। क्या करें क्या नहीं से अफवाहों की पड़ताल तक हम देंगे आपको पल पल की सच्ची खबर। 26 राज्यों से 30 चैनल के 1200 रिपोर्टर रखे हुए हैं पूरे देश पर नजर। जुड़िए देश के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ कोरोना वायरस से सबसे बड़ी जंग में। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। न्यूज 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर।
कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सके। 57.52 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और शो के इस हिस्से में छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने का आइडिया लेकर हम फिर हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर की खाली छत को बिजनेस के इस्तेमाल में आप कैसे लाएं। घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो जानते हैं एक ऐसा आइडिया जिसमें लागत भी कम है और कमाई अच्छी खासी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बिना मिट्टी के खेती की। बस इसके लिए जरूरी है घर की छत या खुला आंगन। आजकल टेरेस फार्मिंग एक उभरता ट्रेंड है जिसे कैश करने का बढ़िया मौका आपको मिल रहा है। इस तकनीक में मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को पानी के सहारे सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधे एक मल्टी लेयर फ्रेम के सहारे पाइप में उगाए जाते हैं और इनकी जड़ें पाइप के अंदर पोषक तत्वों से भरे पानी में छोड़ दी जाती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के सेटअप के लिए कई कंपनियां काम करती है जो शौकिया गार्डन से लेकर कमर्शियल फार्म सेट करने में आपकी मदद करती है। इसमें लेक्सेट्रा एग्रीकल्चर, बिटमाइंस इनोवेशंस, फ्यूचर फार्म्स, हमारी कृषि जैसे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन कंपनियों से हाइड्रोपोनिक्स सेटअप को खरीदा जा सकता है। 2 मीटर ऊंचे एक टावर में करीब 35 से 40 पौधे लगाए जा सकते हैं। यानी लगभग 400 पौधे वाले 10 टावर आप 1 लाख तक में खरीद सकते हैं। अगर सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आगे सिर्फ बीज और न्यूट्रिएंट का ही खर्चा आएगा। मौसम की मार से बचने के लिए नेट शेड या पॉली हाउस की जरूरत होगी। इस तकनीक के जरिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खेती होती है, इसलिए अक्सर किसान ऐसी सब्जियों का उत्पादन करते हैं जिसकी मार्केट में कीमत ज्यादा होती है, जैसे लिट्यूस या स्ट्रॉबेरीज। तो ऐसी महंगी फल सब्जियां उगाकर आप सालाना 2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।